देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस टू आर और सेम मटेरियल हैविंग द सेम थिकनेस। सेम थिकनेस है और मटेरियल भी सेम है। हम ये देखेंगे मास कितना होगा। जैसे अगर हम इस छोटी, ये एक डिस्क है आर रेडियस का, इसको इसके ऊपर रखा हुआ है टू आर रेडियस के, इसका मास देख मान लीजिए इसका मास एम है, तो टू आर रेडियस का मास कितना होगा। लेट मास ऑफ स्मॉलर डिस्क इक्वल्स टू एम, देन इसकी रेडियस 2r है तो एरिया वॉल्यूम के हिसाब से देख लेंगे, तो मास हो जाएगा मास ऑफ बिगर डिस्क इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। इसका एरिया होगा पाई 2r का होल स्क्वायर थिकनेस इंटू डेंसिटी, और जो पहला मास है वो जो हो जाएगा एरिया थिकनेस इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फोर टाइम्स फोर पाई आर स्क्वायर टी डी। हम ये कह सकते हैं मास ऑफ बिगर डिस्क इक्वल्स टू फोर टाइम्स मास ऑफ स्मॉलर डिस्क, इसको हमने एम मान लिया तो फोर एम हो गया, फोर एम। अभी बोला है कि सेंटर ऑफ मास की पोजिशन क्या होगी, तो हम यहाँ से मान लेते हैं इसको ओरिजिन मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं इसके, ये ओरिजिन है मान लो जीरो जीरो, तो जो फोर एम है वो तो यहीं रखा हुआ है और एम यहाँ मानेंगे सेंटर पे, तो ये हो जाएगा आर कोमा जीरो। तो इक्वेशन लगा दें एक्स सी एम इक्वल्स टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, सो आर बाई फाइव, आर बाई फाइव फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिगर डिस्क एंड फोर आर बाई फाइव फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉलर डिस्क, दिस इज द आंसर।